तरी कोल्हापूरमध्ये पावसानं थैमान घातलं असून गेल्या काही दिवसांपासून महापुरानं जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. इथल्या पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी NDRFची टीम एक देवदूत म्हणून धावली आहे. आज तेच NDRFची टीम आज आपल्यासोबत आहेत आणि त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत त्यांचे काही अनुभव. आप 8 दिनों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? शुरुआत के दिनों में तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे आए तो काफ़ी पैनिक स्थिति बनी हुई थी. फिर जैसे जैसे हम लोगों ने लगातार कार्य किया, सभी लोगों को बाहर निकाला, तो स्थिति काफ़ी सामान्य होती चली गई. और फिर जैसे लोगों में विश्वास जगा NDRF के प्रति, फिर वो पैनिक स्थिति काफ़ी सामान्य होती चली गई. और अब तो सब कुछ खत्म होने के बाद में जो यहाँ के लोगों ने जो प्यार दिया, और चाहे रक्षाबंधन रहा हो, चाहे सम्मान समारोह रहा हो, उससे बहुत एकदम दिल को छू देने वाला रहा सब. अब जब यहाँ पे आए थे तब यहाँ की सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल थी, तो जब लोग आते थे सेल्फी निकालते थे तब आपको कोई दिक्कत आती थी? मेरे सामने तो ऐसा स्थिति नहीं आई कि सेल्फी निकालने वाली, लेकिन जब हम लोग आए थे यहाँ तो काफ़ी लोग पैनिक स्थिति बनी हुई थी. काफ़ी लोगों के मतलब रिलेटिव अंदर फंसे हुए थे, तो यात्रा आके बोलते थे, कई बार कॉल आते थे कि रिलेटिव वहाँ फंसे हुए थे, ऐसा. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे कि बाहर देखने के लिए आते थे, तो इन सब चीज़ों में कहीं आपको दिक्कत आई, या फिर पूरा जो ऑपरेशन चल रहा था इसके बीच में आपको कौन सी दिक्कतें आई? नहीं नहीं, ऑपरेशन के टाइम हमको ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हमको लोग वहाँ पर गाइड प्रोवाइड करवाए जाते थे. फिर वहाँ का जो सिविल लोग थे, लोकल लोग, वो लोग भी काफ़ी मदद करते थे, तो दिक्कत नहीं रही. जैसे कि अभी जो पूर की स्थिति बनी हुई थी, बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी, तो इस सिचुएशन में यहाँ के जो लोकल लोग हैं, तो उनसे आपको मतलब क्या उम्मीदें हैं, उनकी तरफ से क्या आना चाहिए ताकि आपको भी हेल्प हो सके? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि जो लोग हैं वो उन्हें पहले से अवेयरनेस रहे कि अगर बाढ़ आती है तो पहले से ही कुछ ऐसे फ्लोटिंग डिवाइस बना के रखें, या फिर जो है जो लोग एरियाज में है वो पहले से अपने अपने यहाँ पे खाने पीने का सामान ऐसे स्टोर में रखें जिससे उनको दिखने ना आए बाढ़ की. पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हुआ तब सांगली की जो महिलाएं थी उन्होंने आपको राखी बांधी, वो जो मूवमेंट थी तो आप वो मूवमेंट पढ़ाई दिल को छू देने वाला था. जैसे आप देख रहे हैं मतलब हम लोग घर से अलग रहते हुए रक्षाबंधन का त्यौहार था, हमको फील ही नहीं हुआ. बहुत ही अपनापन पहले जैसे बताया कि यहाँ के लोगों ने जो प्यार दिया, सम्मान दिया, वो पढ़ाई दिल को छू देने वाला रहा. मतलब हमको मतलब लगा ही नहीं हम घर से दूर, और जितना भी थोड़ा दिक्कत परेशानी हमको रही या शारीरिक थकान रही ऑपरेशन के दौरान, वो इस प्यार मोहब्बत में कहाँ दूर चलेगी, पता ही नहीं चला उसका. अभी यहाँ के लोगों के लिए क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? इंडिपेंडेंस डे भी हुआ है, राखी भी हुई है, तो बस यही कहना चाहेंगे सभी लोग खुश रहें, और ऐसी आप बहन जो आती है उनसे पहले से निपटने के लिए तैयार रहें, और बहुत अच्छा था. हनुमंत निकम आए थे NDRF के जवान जो है नागेवाड़ी से सुचित रहे, तो त्यांच्याकडून जाणून घ्यायचे होते की या ऑपरेशन मध्ये नक्की काय त्यांना अनुभव आले किंवा काय त्यांचा अनुभव. दिनांक 8/2019 सांगली जिल्ह्यामध्ये काम करत असताना NDRFला जे प्रेम दिलं, आमच्या सर्व NDRF कोल्हापूर सांगली आणि नाशिकमध्ये जे प्रेम मिळालं त्यावर सर्व जवान भारावून गेलेले आहेत. सांगली जिल्ह्याचा मी असून या सांगली आणि कोल्हापूर संपूर्ण महाराष्ट्राचा मला असा अर्थ का अभिमान. सांगलीमध्ये जी पूरस्थिती आली म्हणजे काही पूरग्रस्त, त्यांच्याविषयी तुमचं काय मत? सांगलीमध्ये जी पूरस्थिती आली होती एकदम अशी भयानक स्वरूपाची होती. ज्यावेळेस आम्ही आलो त्यावेळेस पाहिलं तर घराचा जो ग्राउंड लेवल जो फ्लोअर आहे पूर्णपणे पाण्यामध्ये होता, तर तो पाण्यामध्ये असल्यामुळं इतकी भयानक स्थिती होती. पब्लिक दुसऱ्या आणि तिसऱ्या मजल्यावरती बसतं, तर त्यांना काढण्यासाठी इतका मोठा प्रश्न होता, परंतु बोट आणि इतर साहित्य साहाय्याने आम्ही त्यांना व्यवस्थित सुखरूप काढलं. त्याचबरोबर पब्लिक पण सांगलीमध्ये एकदम चांगले व्यवस्थित व्यवहार त्यांनी आम्हाला सहकार्य केलं त्यांनी. सर जब बाढ़ आती है तब NDRF को बुलाया जाता है, जब भूकंप होता है NDRF को बुलाया जाता है, तो अब क्या बताएंगे? हम लोग ट्रेनिंग दिया जाता है रास्ते, हम लोग कहीं भी जैसे बाढ़ हो गया या अर्थ कोई हो गया कुछ भी आता है तो हम लोग तो बाढ़ तक पहुँचे वहाँ की पब्लिक रहती है तो थोड़ा क्या ज़्यादा है, तो यहाँ भी हम लोग जैसे थोड़ा बाढ़ में आए, लेकिन यहाँ बाढ़ का देखिए हालत बहुत ख़राब थी. फिर भाई इंडिया ने बहुत ही अच्छा काम किया यहाँ और लोगों ने सपोर्ट बहुत अच्छा किया. Yeah.
आता IIT JEE नीट साठी लातूर हैदराबाद आणि कोटा इथे जाण्याची गरज नाही. वेलकम टू शिवप्रताप अकॅडमी. विटा इथल्या शिवप्रताप मेडिकल अँड IIT अकॅडमी मध्ये कोटा व हैदराबाद इथला उच्च विद्या विभूषित शिक्षक वृंद विद्यार्थ्यांच्या सेवेसाठी सदैव तत्पर. आय एम द स्टुडंट ऑफ शिवप्रताप अकॅडमी विटा. डिसिजन डिटरमाइन आवर डेस्टिनी. आय ऑलवेज वॉन्ट अकॅडमी दॅट वुड प्रिपेअर मी फॉर लाईफ इटसेल्फ. चूजिंग शिवप्रताप अकॅडमी वॉज द बेस्ट डिसिजन. शिवप्रताप अकॅडमीमुळे मी यशस्वी झालो, तुम्ही सुद्धा यशस्वी व्हा.